असम में भड़की हिंसा के 5 दिन बाद हालात धीरे धीरे काबू में आ रहे हैं। प्रशासन ने भले ही कर्फ्यू को पूरी तरह से न हटाया हो, लेकिन थोड़ी ढील जरूर दी है। हिंसा प्रभावित बक्सा, कोकराझार और पड़ोसी चिरांग में आज कर्फ्यू में ढील दी गई। कोई नया मामला सामने नहीं आने के बाद जिला प्रशासन ने सुबह 10 बजे से 8 घंटे के लिए, कोकराझार में सुबह 10 बजे से 6 घंटे के लिए तथा चिरांग में सुबह 10 बजे से 7 घंटे के लिए छूट दी है। इस दौरान लोग सड़कों पर निकले। NDFBS उग्रवादियों की हिंसा में अब तक 34 लोग मारे जा चुके हैं। उधर इस घटना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। असम के कछार जिले में 30 संगठनों ने हिंसा के खिलाफ बंद का आयोजन किया, जो पूरी तरह से सफल रहा। उधर नौगांव जिले में 12 घंटे के बंद के दौरान प्रदर्शन कर रही भीड़ पर पुलिस गोलीबारी में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा कि सरकार हिंसा रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। हम भी जितना मेजर लिया उससे थोड़ा हम रिजल्ट मिल रहा है। हम कॉन्फिडेंट और ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम तो अलर्ट रहने को होगा। लेकिन पार्लियामेंट कितना हम सिक्योरिटी फोर्स देने को होगा, यही हम सोच रहा है। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हम कैसा, जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो हम कैसा रिमूव करके एक अंडरस्टैंडिंग करके करने, वो भी हम सोच कर रहे हैं। लोगों में विश्वास बहाल करने के लिए प्रभावित इलाकों में सेना का फ्लैग मार्च जारी रहेगा। हिंसा के सिलसिले में असम पुलिस ने अब तक 5 मामले दर्ज किए और हत्या और हिंसा के आरोप में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा पर जारी सियासत के बीच गोगोई ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी और मोदी ने असम और देश के अन्य हिस्सों में जो भाषण दिए हैं उसके कारण हिंसा भड़की है। Create a lot of hatred or misunderstanding among the different communities. That's no doubt about his speech that Bangladeshi has to leave by 16, then Assam has to be free from Bangladeshis. See, all sorts of statement. Definitely, it creates impression that Assam is full of Bangladeshis. गोगोई के आरोपों को बीजेपी पहले ही खारिज कर चुकी है। राज्य सरकार हालात संभालने के लिए तेजी से कदम उठा रही है और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में माहौल पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।